दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले Xiaomi Mi A1 Android 5 वर्सेस ASUS ZenFone Max Pro M2 Android 5। हालांकि ASUS ZenFone Max Pro M2 में Android 5 का बीटा अपडेट मिला है, तो इसमें सम फीचर मिसिंग है। फिर भी M2 यूजर्स आप देख सकते हो कि Android 5 का मतलब क्या होता है और Android 5 में कितने फीचर्स है जो अपने ASUS ZenFone Max Pro M2 में अभी भी हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिलते हैं बीटा अपडेट में। तो यहाँ पे मैं आपको पहले अबाउट फोन में जाके दिखा देता हूँ कि मी ऑन में कौन सा वर्जन यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे गेटचस अबाउट फोन और यहाँ पे देख सकते हो आप एंड्रॉयड 9 और उसके साथ जनवरी के पैच के साथ ये एंड्रॉयड 5 पे रन हो रहा है। और उसके साथ अपना ASUS ZenFone Max Pro M2 भी आप यहाँ पे देख सकते हो अबाउट फोन और अबाउट फोन एंड्रॉयड 9 और वो भी जनवरी के पैच के साथ ही यहाँ पे रन हो रहा है। तो मैं ऐसे ASUS ZenFone Max Pro M2 पे वीडियोस बनाने वाला हूँ और मी ऑन पे तो वीडियोस आती है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन पर भी क्लिक करना, जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो यहाँ पे बात करते हैं स्टार्टिंग के चेंजेस से। तो यहाँ पे Xiaomi Mi ऑन एक एंड्रॉयड 1 का स्मार्टफोन है, तो बेसिकली उसे एंड्रॉयड 5 का अपडेट पहले मिला है और एक स्टेबल अपडेट है एज कम्पेयर टू ASUS, क्योंकि ASUS ने अभी अभी ये बीटा अपडेट रिलीज किया है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं लॉन्चर से, तो देख सकते हो लॉन्चर में बहुत सारा डिफरेंस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। हालांकि पहली सेटिंग तो सेम देखने को मिलती है, उसके साथ जब सेटिंग में यहाँ पे जाते हैं तभी देख सकते हो कि हमें ASUS ZenFone Max Pro M2 में बहुत कम सेटिंग यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे नीचे सजेशन मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी हम लॉन्चर यहाँ पे ऐप ड्राइवर ओपन करते हैं तो यहाँ पे सजेशन आता है, तो ये ऑप्शन आपको अपने ASUS ZenFone Max Pro M2 में देखने को नहीं मिलेगा। और उसके साथ और एक ऑप्शन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है, वो भी ऑप्शन आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ए वाला ऑप्शन, अलाउ होम स्क्रीन और रोटेशन। जब भी मैं इसे अलाउ करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक शॉर्टकट आता है और ये भी शॉर्टकट ASUS ZenFone Max Pro M2 में मिसिंग है। दिखा देता हूँ यहाँ पे रोटेशन चल रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो कोई भी रोटेशन डायरेक्ट होता है पर ये शॉर्टकट नहीं आता, हम इसको मतलब मैनुअल यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं ऑटोमेटिक की वजह। तो यहाँ पे जब भी मैं ये सेटिंग इनेबल करता हूँ और जस्ट होम स्क्रीन पे जाके फोन को रोटेट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए और एक शॉर्टकट हमें देखने को मिलता है, और जस्ट इसको टैप करता हूँ तो पूरा होम स्क्रीन यहाँ पे रोटेट हो जाता है। ये ऑप्शन हमें मिसिंग देखने को मिलता है अपने ASUS ZenFone Max Pro M2 में। उसके साथ और एक बात मुझे इस लॉन्चर में ही नज़र आई कि गूगल सर्च बार यहाँ पे परमानेंट देखने को मिलता है एंड्रॉयड 1 के स्मार्टफोन में, तो ये गूगल सर्च बार यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता। चाहे तो जो भी मिलता है वो उसको आप यहाँ पे हटा सकते हो। और उसके साथ और एक चेंज जो है रिसेंट मेनू का, तो देख सकते हो अभी भी अपने ASUS ZenFone Max Pro M2 में आपको पुराने वाले रिसेंट मेनू यहाँ पे देखने को मिलते हैं ओरियो के स्टाइल में। और अपने मी ऑन में यहाँ पे देख सकते हो कि हमें एंड्रॉयड 5 के जो 5 का ही है तो न्यू डिजाइनर यहाँ पे रिसेंट मेनू देखने को मिल जाता है। उसके साथ और एक चेंज मुझे काफ़ी यहाँ पे बढ़िया लगा अपने मी ऑन में कि हम जब भी यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग में आपको जो भी सजेशंस आते हैं यहाँ पे देख सकते हो आपको रेक्टेंगल स्टाइल में यहाँ पे देखने को मिलता है। इसका साइज थोड़ा अलग है अपने ASUS ZenFone Max Pro M2 में, ये हॉरिजॉन्टल टाइप में देखने को मिलता है तो ये वर्टिकल स्टाइल में देखने को मिलता है, तो ये हॉरिजॉन्टल स्टाइल में ही अच्छा लगता है। उसके साथ यहाँ पे बैटरी सेक्शन में और एक मुझे नज़र आया कि यहाँ पे एंड्रॉयड 1 के स्मार्ट एडेप्टिव बैटरी का ऑप्शन देखने को मिलता है, उसके साथ ASUS ZenFone Max Pro M2 में ये आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि ये बीटा अपडेट है तो जल्दी ही ये ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। उसके साथ यहाँ पे बात करते हैं और एक चेंज की जो नेक्स्ट अपडेट में ASUS ZenFone Max Pro M2 में आना चाहिए, वो है यहाँ पे गेचर्स। एक मी ऑन स्क्रीन हार्डवेयर, इसमें ऑन स्क्रीन हार्डवेयर कीज नहीं है, मतलब नेविगेशन कीज नहीं है, फिर भी इन्होंने यहाँ पे आपको पाई का यहाँ पे जो गेचर्स है वो इनेबल करने का ऑप्शन दिया है और सिंपली आप इसे इनेबल कर सकते हैं। और नेविगेशन कीज है वो ऑन डिस्प्ले है, तो इसको ये गेचर का ऑप्शन देना ही चाहिए था। तो ऐसा कुछ बेसिक डिफरेंस था, मुझे लगा कि इसके रिलेटेड एक वीडियो बनाना चाहिए तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। और ASUS ने ये जो डिफरेंस बताया वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने नेक्स्ट वाले बीटा सेकंड अपडेट में अपने ASUS ZenFone Max Pro M2 में। तो वीडियो कैसा लगा गाइस मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।